तो ये व्हाट्सअप गए सर, आज इस वाले गाइज मैं आपको बताने वाला स्कूल में एक अपनी लड़ाई वाली घटना। मतलब यार बंदों ने मतलब यार तबाही मचा दी थी। तो आखिर क्या हुआ था कि मतलब इतना ज़्यादा लड़ाई हुई थी, इसमें मैं था, थोड़ा बहुत में था। मतलब तो मैं वीडियो देखा तो मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ, किस बात पर अपनी लड़ाई हो गई। तो चलो यार बात करते हैं, तो लेट्स गो यार स्टार्ट करते अपनी सेकेंड स्टोरी टाइम। तो कहीं सर तब से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अपना रिसेंटली अभी एग्ज़ाम हुआ था, मतलब जो अभी अक्टूबर एंडिंग पे चल रहा था, तो सही चल रहा था। मतलब देखो यार, देखो मैं ना आज तक कभी कॉपी नहीं करता, मतलब थोड़ा थोड़ा करते जो नॉर्मल चीटिंग होती है, मतलब पूछ लेने का एक दो आंसर वो तो चलता रहता है, वो तो सब लोग करते हैं ऑलमोस्ट आई गेस सो, या फिर नहीं करते तो मैं करता हूँ, कभी कभी कर लेते हैं जब नहीं आता तो कुछ। हाँ तो मैं बात कर रहा था कि यार वैसे हम लोग ऐसे कॉपी करते रहे, बट यार इस बार क्या हुआ, नाइन्थ है और ऊपर से देखो यार पूरा एट्थ, मतलब पूरा एट्थ अपना ऑनलाइन गया था, नाइन्थ का हाफ ईयर अपना ऑनलाइन गया था। मतलब यार क्या था ये, मतलब इसकी वजह से यार अपनी पढ़ाई की आदत छूट गई थी, ये सब हो गया था। तो इसकी वजह से मैं भी तरह मतलब एवरेज स्टूडेंट, मतलब जो 80 या 70% के आसपास आता था, मैं अभी डाउन हो गया था ज़रा। तो इसी के चक्कर में थोड़ा कॉपी करना पड़ा। बट यार देखो एग्ज़ाम जब आया ना, तो अब हम लोग एकदम लास्ट रो पे थे, एकदम मतलब कॉर्नर वाले रो पे थे। एंड ये जो भी पटाखे फूट रहे जो बीच में बूम करके आ जाएंगे, समझ लेना पटाखे फूट रहे, मेरी गलती नहीं। हाँ तो अभी अभी अपने सूर्य लंबे कंटिन्यू करते। तो क्या हुआ था कि अभी हम लोग लास्ट में बैठे थे और अपने रो में ही दो टॉपर बैठे थे और एकदम मस्त जगह पे बैठे थे यार। तुम लोग खुद देखना, समझो कि एक रो में 9 बेंचेस है, तो 9 बेंचेस में से चौथा एंड फिफ्थ बेंच पे अपने टॉपर बैठे थे। तो चौथा वाला थर्ड बेंच को बता था, थर्ड वाला सेकेंड बेंच को बता था, सेकेंड वाला फर्स्ट को, और सेम ऐसी मतलब पीछे वाला टॉपर करता था। पीछे वाले का ये मतलब पेपर ज़रा अपना साइड में रख के लिखता था, उसका छठवा बेंच वाला कॉपी करता था, सातवा उसका करता था, सेम यही चलता था अपना कंटिन्यू। बट एक ऐसा मतलब इतना खतरनाक प्राणी है इस दुनिया में नहीं, महाराष्ट्र में आए गए था, इतना टट्टी लैंग्वेज है भाई मराठी। अभी देखो यार जिनको भी मराठी लैंग्वेज यहाँ पर उनको अच्छा लगता है, तुम्हें दुखी मत हो जाए, मैं बहुत देखता हूँ तुम्हें जल्दी दुखी हो जाते हो। तो दुखी की बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी का इंग्लिश बेकार लगता है, किसको हिंदी लगता है, तो कुछ नहीं है सर, मेरे लिए तो मराठी मेरे को बहुत बेकार लगता है। तो देखो यार एट्थ के फाइनल एग्ज़ाम में क्या हुआ था कि अभी देखो मैं पूरा वर्क बुक मतलब पूरा बुक का कर गया था मैं, और आया लिटरल टेक्स्ट बुक का, तो समझ रहे हो ना क्या हालत हो गई थी मेरी। तो कुछ नहीं रहता, फिर चलता रहता है। एंड गाइस दिस इज़ नाइन्थ का पेपर, मतलब यार 20-40 मार्क्स का नहीं रहेगा, सीधा 80 मार्क्स का रखा था अपने स्कूल वालों ने, मतलब कुछ शर्म में नहीं है, बच्चों पे जुल्म कर दिया भाई सीधा। ये नहीं कि यार बच्चे थोड़े मासूम से, छोड़ दो यार, हाँ हालांकि मैं मासूम नहीं, लेकिन तो भी यार छोड़ देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए था। तो अभी यार यही इसी की बात पे यार हम लोग को बहुत दिन भर मतलब पढ़ना पड़ता था, मतलब पढ़ के भी क्या करेंगे यार, वो भी भूल जाते थे दरा बात, कि आदत छूट गई थी यार लर्न विन करने की। तो इसी बात के लिए गाइस यार हम लोग ने लिटरली 1 घंटा हम लोग पहले आए स्कूल में, और हम लोग जितने भी एक रो में बैठे थे हम लोग सब प्लान करके आए थे, एक एक दो दो पेज है ना वो बेंच दीवारों पे लिख के आएंगे, लिख के मतलब लिखेंगे। तो मैं मार्कर लाया, सब मार्कर लाए, पेन लाए, मतलब डार्क जेल बॉल सब लाए, और दीवार पे छोटे छोटे में ऐसी जगह पे आंसर लिख रहा ताकि मिस को कम से कम दिखे, मतलब दिखने का चांस ही ना रहे। और हम लोग जहाँ पर बैठते सीट पर वहाँ पर उसके नीचे भी लिख दिया था हम लोग ने, ताकि कुछ बड़े बड़े आंसर लिख दिए थे। तो यही था, एंड फिर यही था अपना, हम लोग ने दो दो तीन तीन पेज लिख लिया हम पूरे रो ने, और फिर क्या हुआ, मिस आई, मिस पेपर दी, एंड हम लोग मस्त में लिख रहे थे। हम लोग को याद है, हाँ ये अब मेरे को मालूम है, मैंने ये यहाँ पर ये लिखा है, मैंने देख लिया, और जो मेरे को नहीं मानता पीछे वाले में कॉल, क्योंकि उसने लिखा था ऐसा चल रहा था। तो 80 मार्क्स का पेपर था, बट हम लोग ने ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का लिखा था, तो ये तो मतलब 40-50 मार्क्स का लिखा था, बट इतना कम कौन लाएगा, मतलब फालतू है यार। तो वही हुआ यार, अपने टॉपर, जी हाँ टॉपर का भी हम नाम दे देते, छगन। हाँ चलो अभी कोई नहीं बोलेगा ट्रिगर इंसान को भी कर रहे तुम लोग, यार रुको यार दो मिनट, छगन का भाई अपने छगन भाई यार अपना मोबाइल लेते खोलते, और हाँ मोबाइल में पहले बोला स्कूल में अपने मोबाइल एंट्री अलाउड ही नहीं है, और उसने लिटरली मोबाइल लाया, एंड मोबाइल लाते ही उसे सीधा PDF खोला, एंड PDF खोलने के बाद भाई PDF में तो मराठी का पेपर पूरा छाप रहे, और वो लिटरली बंदा है ना लिटरली हम लोग को भी बता रहा है, लेकिन मतलब समझ बताने का इतना चांस नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मिस को अपने पे शक हो रहा था कि कुछ तो कर रही। तो मिस एक बार आई और लिटरली उस बंदे ने ऐसा फ़ोन छुपाया ना, मतलब क्या ही बताया, मतलब उसका जीनियस लेवल ना भाई पढ़ाई पे भी नहीं, ऐसा थोड़ा कांड करने में भी है, मतलब देखो यार मिस आ रही थी उसकी तरफ, एंड उसने लिटरली पैर से सामने वाले पैर को मारा, उसने पीछे देखा, उसे भैया वो समझ गया हाँ ये करना है, उसने नीचे से हाथ डाला और उसने नीचे से पास कर दिया फ़ोन, अभी उसने ले लिया फ़ोन। तो ये खतरनाक थी, उसको मिस ने पॉकेट चेक किया ऐसा तो कुछ नहीं मिला, तो
मिस ने छोड़ दिया, मिस को पता था वो टॉपर है यार, तो मिस ने बस ज़्यादा कुछ चेक नहीं किया, वरना हम लोग रहते थे भाई अपने को पूरा नंगा करके चेक करते, ऐसा कुछ नहीं सी बोल रहा था। तो अभी तो यार देखो सब हो गया। और हाँ, अभी हेटर का, अभी टॉपर का एक हेटर था, जैसे हमारा एक हेटर होते ना हमारे भी, वैसे टॉपर का एक मतलब बहुत गंदा वाला हेटर था। अब उसका नाम दे देते हम मुन्नू। हाँ तो यार मुन्नू था एक, तो जो कि यार भाई उसका ना मतलब उसको हमेशा उससे लड़ाई रहती थी, हर दिन लड़ते रहते थे साले, क्या ही बताओ। अभी तो अभी उसने क्या किया, उसने भी फ़ोन लाया था। तो क्या हुआ, अभी वो सोचता है कि क्या करूँ कि इसको पकड़ा, अगर वो सामने सामने नाम बताता कि इसने फ़ोन लाया है तो समझ रहे ना, इतना कुछ मतलब होता नहीं। वो अगर समझो कि वो बोल देता कि तुरंत मिस इसने फ़ोन लाया, तो तुरंत से PDF बैक कर देता और वो पॉकेट में रख देता था ऐसा ऐसा, और समझ रहे ना, उसको मिस के सबूत नहीं रहता कि उससे वो चार्ज कॉपी कर रहा है कि नहीं, बस मिस फ़ोन लेके बैठ जाती। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने इसको सीधा कॉल किया। अभी तक कॉल करना अभी कैसे किया, तुम सोच रहे हो कि हेटर है तो भाई नंबर कैसे आया। तो अभी स्कूल का ग्रुप भी होता है, तो ग्रुप में से उसने नंबर लिया और सीधा कॉल किया। मुन्नू ने छगन को कॉल किया एंड उसका फ़ोन साइलेंट पे नहीं था, रिंगटोन बजा। हम लोग की धड़कन तेज भाई, मेरी भी धड़कन तेज हो गई भाई, अब ये गंदा वाला पिटेगा। एक तो मिस भी ऐसी थी यार, मतलब धो धा के छोड़ेगी तुम्हें, तो इसलिए सबकी फटती थी उस मिस से। तो मिस आई और वो लिटरली उससे कॉल जैसे कट किया ना, उसने एक और बार तुरंत कॉल कर दिया, और जैसे उसने वापस कट किया उसने एक और बार कॉल किया, मतलब तीन बार लगातार कॉल किया ताकि उसको कट करने का मौका ना मिले PDF। तो वही मिस आई, उससे कह रही मिस ने फ़ोन लिया, किसका कॉल आया वो देखा, एंड उसने देखा कि उस मतलब देखा नहीं किसका किसका कॉल आया, क्योंकि ओनली नंबर था, तो उसको भी नहीं मालूम पड़ा जी। देखो जो था ना टॉपर अपना छगन, उसको भी नहीं मालूम पड़ा कि कौन कॉल कर रहा है, तो समझ रहा। तो फिर क्या हुआ, अभी ये सब चलता रहा, फिर मिस ने देखा बैग खोल के कि PDF चल रहा मराठी का, मिस की सटकी। और हाँ ये 9th है भाई, तुम लोग के ऐसा नहीं भाई, मतलब तुम लोग के सॉरी ऐसा नहीं, मतलब कि आप लोगों के ऐसा नहीं है कि 5 मार्क्स कुछ मार्क्स कट करते भाई, नहीं, यहाँ पर लिटरली तुम्हारा सीधा आंसर शीट लेंगे, मतलब पेपर लेंगे, फाड़ देंगे, डस्टबिन में डालेंगे, तुम्हारा नया पेपर देंगे, तुम्हें नया लिखना पड़ेगा, ये होता है। तो यही हुआ, उसके लास्ट के आधे घंटे बचे थे, फाड़ दिया उसका पेपर एंड सॉरी लिखना पड़ गया, एंड ज़्यादा लिख भी नहीं पाया क्योंकि उसने कॉपी किया था, मतलब क्या आएगा उसको, बेंच पर जितना भी लिखा था हमने थोड़ा थोड़ा बता दिया, ज़्यादा नहीं 15-20 मार्क्स से लिख पाया बेचारा। एंड बाद में उसने मतलब बाद में हम लोगों को जब छूटने वाला था तब उसने फ़ोन में जाकर नंबर चेक किया, तो ग्रुप में उसने मिल गया कि ये इस बंदे ने कॉल किया। तो जब उसने उस बंदे की तरफ देखा तो वो उसको देख के हंस रहा था, उसके से चिढ़ा रहा था, मैं उस छगन भाई की इतनी गंदे वाली सटकी ना, बस वो ये चाह रहा था पेपर मिल जाए, मतलब पेपर एक बार मिस के हाथ में पहुंच जाए, वो उसको ऐसा लग रहा था भाई अभी मर्डर वर्डर कर देगा जाके यार। हाँ तो जैसे मिस पेपर लिया, जैसे मिस क्लासरूम से बाहर गई, वो उठा और वो जो अपना मुन्नू भाई हाँ वो भागने की तैयारी में था, और छगन भाई इसको पूरा लिटरली पकड़ने के लिए भाग गया, पूरा एकदम तगड़ा वाला। अभी उस छगन भाई की स्पीड तो लिटरली ज़्यादा थी उससे, तो उसने उसको पकड़ लिया, एंड पकड़ती ही नहीं कि इसको ऐसा थोड़ा सा वैसा चिल्लाया, लेकिन नहीं भाई, सीधा उसने पकड़ा उसको, सीधा गर्दन ऐसा पीछे किया और सीधा से लात मार के गिराया, और जो मेटल होते हैं ना छोटे थोड़े थोड़े जगह पे, सीधा उसके सिर जाके उसके अंदर भिड़ गया, एंड उसको लगा ली खून नहीं भैया, क्योंकि खून नहीं मतलब निकला कुछ भी, मेरे को लगा मेरा भक्त भी, हम लोग भी पीछे से भाग के देख रहे हैं इन लोग का झगड़ा चल रहा है, वो दोनों एक दूसरे को मार, मैं बीच में रुकाने को आया भाई, ने मेरे को धक्का दे दिया भाई, अरे मतलब उसने नहीं, मेरे को छगन भाई ने धक्का दे दिया यार, मतलब क्या चल रहा है, और छगन ये नहीं कि धक्का दिया है, चलो भाई मैं अपनी छोटी पिंकी फिंगर पर गिर गया, मेरी उंगली मुड़ गई यार, उस दिन सूज गई थी, मतलब यार पूरा दुख रहा था 2-3 दिन से यार, देखो शर्म नहीं है बच्चे को मारते हुए इन लोग को। तो मैं भी सोच रहा, मैं भी भिड़िया सोच रहा है दोनों को ही मारो, मैंने सोचा छोड़ो यार कुछ नहीं करते, तो अभी अपनी गैंग भी इसको रुकाने तैयार, लेकिन दोनों भी रुकने, तो जब दोनों को रुकाया गया तब उसने छगन भाई ने पैड निकाला अपने इससे और सीधा उसके सिर पे दे मारा, और दे मारने का उस मेटल साइड से मारा, तो उसके सर से जब उसने मारा तो उसके सर से लिटरली उसको खून निकलने लग गया थोड़ा सा, एंड दोनों में ऐसी भिड़ा चलती रही, ऐसी मतलब मार मार चलती रही 10 मिनट तक, 10 मिनट नहीं 5 मिनट तक आएगी चला, और फिर एक बंदे ने तब तक बंदे लोग ने मिस को बुलाया, मिस ने संभाला, लेकिन यार देखो गलती किसकी थी, तुम लोग खुद ही पहचान कर रहे गलती किसकी, तो गलती छगन भाई की थी, मतलब अपने टॉपर की थी, तो मिस ने उसको तो मारा ही मारा, साथ में उसका पेरेंट्स को बुला के उसका कंप्लेंट भी किया गया, एंड चलो अच्छा हुआ कम से कम सस्पेंड नहीं हुआ, वरना उसका एग्ज़ाम भी छूट जाता था, ये हुआ था सीन। तो अभी क्या ही बताया, अभी हम सस्पेंड नहीं हुआ, बस समझ रहे घर आके तो पिटाई हुई रहेगी इतना माले में, तो यही था यार, मुन्नू भाई को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं किया गया, बस थोड़ा सा डांट दिया गया था, एंड फर्स्ट एड बॉक्स उसको लगाया गया था उधर ही,
तो अगर तुम लोग भी एग्जाम में कॉपी करते हो तो लाइक बटन दबा देना, एंड नहीं करते तो भी तुम लोग लाइक बटन दबाओगे, मेरे को नहीं जानता, तुम लोग लाइक बटन दबाओगे। एंड जो भी चैनल पर नहीं आए सब्सक्राइब कर देना। तो अभी मैं तुम लोग पहले बता रहा हूँ, देखो अभी तुम लोग जो भी कॉपी, हाँ टेंथ होने वाला है, मेरे को मालूम है टेंथ होगा, सबका होएगा, ऑनलाइन बिल्कुल नहीं हो रहेगा, ऑनलाइन पे डिपेंडेंट मत रहना, छापना बंद करो, मतलब छापने की डिपेंडेंट भी मत रहो। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 3 घंटे में लिखते लिखते तुम्हारे हालत टाइट हो जाएगी, मैं पहले बोल रहा हूँ। तो मेरे को एक्सपीरियंस है, तो मैं तुम लोग सोच रहा हूँ तुम लोग के साथ भी ज़रा शेयर कर दूँ, एंड होपफुल तुम लोग मज़ा आएगा, खुद पर डिपेंडेंट बनो यार। एंड आगे याद नहीं आ रहा मोदी भाई का डायलॉग, मोदी भाई बोल रहा हूँ, मोदी सर का डायलॉग याद नहीं आ रहा, तो छोड़ो यार चलता रहेगा तो अपना। तो ये इसका यार आज के सॉलीवुड में दे, होपफुल तुमको मज़ा आएगा, मज़ा आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कर देना, एंड टिल देन स्टे टाटा, बाय बाय।